तान्या, मैं आपको कैसे समझाऊं? समझाओ मुझे, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। जिस दिन आपने अपने घर वाले मेरे घर भेजे, उस दिन के बाद हम नहीं मिल पाएंगे। क्या मतलब है आपका? ऐसा क्यों होगा? हर शरीफ घराने की यही ख्वाहिश होती है कि उनके घर आने वाली बहू किसी शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखती हो। मगर अम्मी, हानिया आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी अम्मी को जानता हूँ, वो बहुत डीसेंट खातून है, दुनियादार है, किसी को भी उनसे मिलके शर्मिंदगी क्यों होगी? मैं अब्बास को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। यही चाहेंगे कि आपकी शादी किसी सेम स्टेटस की फैमिली से हो। हानी आप अब्बू की फिक्र मत करें, मैं अब्बू को समझा लूंगा ना। अगर आप तो अपनी अम्मी की कोई बात कर रही है। मैं आपको नहीं समझा सकती। मुझे लगता है आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं है, मेरी मेहनत पे भरोसा नहीं है। मेरी जिंदगी में आपसे पहले ना कोई था और ना आपके बाद आएगा। फिर प्रॉब्लम क्या है? अम्मी का मैरिज प्रपोजल आया है। व्हाट? मैरिज प्रपोजल? किसने भेजा है? सलीम अंकल। दानियाल, ये सलीम है, इन्हीं से मैंने घर परचेज किया था। बहुत अच्छा लगा आप से। वो कागजात के सिलसिले में आए थे हम जरा यहाँ वकील के पास, और सलीम ये दानियाल है, हानिया का बॉस। बहुत ही अच्छा और मिलनसार बच्चा है माशाल्लाह। बेटा आपसे मिलकर खुशी हुई। अब आप खुद सोचे, आपके घर पे पता चलेगा कि चार बेटियों की माँ शादी करने जा रही है, क्या सोचेंगे? चार? मगर आप लोग तो तीन बहने हो। नहीं दानियाल, हम चार बहने हैं, एक बहन बचपन में ही अम्मी ने। शरीफा जी। बीबी जी, आप हानिया और सोलह कहाँ? हानिया बीबी तो बाहर गई हैं और सालिया बीबी अपने घर चली गई हैं। अपने घर चली गई? जी। कोई आया था लेने, शहजाद वगैरह? नहीं जी, वो हानिया बीबी ने फोन करके गाड़ी मंगाई थी। रुको मैं देखती। सलीम, सलीम तुम दोबारा से आ गए। सोले और हानिया ने इतना हंगामा खड़ा किया तुम्हारे जाने के बाद। प्लीज प्लीज सहरा, खुदा के लिए मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हें हानिया और सोले से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों खौफजदा होती हो तुम? कभी अपने बारे में सोचा तुमने कि तुम्हारा क्या होगा? एक दिन तुम्हारी इन बेटियों ने ब्याह कर चले जाना है दूसरे घर, और तुम्हारा क्या? अकेली रह जाओगी, तन्हा रह जाओगी, कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। एक मकान के अलावा बाकी क्या बचेगा? मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, अपनी बकिया जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। प्लीज मेरी इस कुर्बानी को जाया मत हो, मेरे इन जज्बात को ठेस मत पहुंचाओ। प्लीज दुनिया क्या कहने दो लोगों को, मुझे परवाह अगर है तो सिर्फ तुम्हारी। मैं आज भी तुमसे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मेरी मोहब्बत में आइंदा भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी इस बार तो मैं अपने साथ वो कर लूंगा जो आज तक मैंने कभी सोचा भी ना। कल सुबह तुम्हें मेरे मरने की खबर मिल रही होगी। कैसी बातें कर रहे हो सर? प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ।